हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था आरएमएस वैल्यू का, वैल्यू निकाल के बताए थे कि आरएमएस का जो करेंट वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो पिछला वीडियो में हम लोग सुने थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सारा चीज़। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आप लोग के कुछ बता दूं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। इक्वेशन तो हम लोग देख लिए थे लेकिन उसका एक्चुअल रूप हम लोग नहीं देखे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। ऐसी फंडामेंटल आपका पढ़ा रहे हैं उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सारा चीज़ आपको ये वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, ये सारा का सारा इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें, अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपके लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि आज का टॉपिक शानदार टॉपिक है, बहुत ही बेहतर ढंग से बताने वाला हूँ। और आपका एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों में आपका फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो कृपया करके आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, या अन्यथा नहीं देखें, देखना है तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें वीडियो पे। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस होती क्या है, जैसे कि हमारा एक ये क्या है आपका एसी करंट है, क्या है एसी करंट है, इसमें फ्लो हो रहा है जो कि अल्टरनेटिंग होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिंग होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो इसकी वैल्यू मेजर करता है वही हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। कोई भी इंस्टेंट पे वैल्यू मेजर करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करेंट होगा सर्किट में फ्लो हो रहा, तो हम किसी भी इंस्टेंट पे जो भी इसकी वैल्यू मेजर करते हैं वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। जैसे कि हम यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है, क्या है डिफिनेशन में आपका, देख लीजिए, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एक टाइप का अल्टरनेटिंग होती है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है और ये एक आपका नेगेटिव वैल्यू होता है। तो ये कह रहा है कि एक टाइप का अल्टरनेटिंग होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में ये होती है। क्या होती है? पॉजिटिव साइकिल में भी होती है और नेगेटिव साइकिल में भी होती है। इट में भी एसी वोल्टेज और एसी करेंट या एसी पावर, जो कि एसी वोल्टेज और एसी करंट और एसी पावर, जो कि एसी वोल्टेज, एसी करंट और एसी पावर हो सकती है। क्या हो सकती है? एसी वोल्टेज हो सकती है, एसी करंट हो सकती है और एसी पावर हो सकती है। मतलब कि टाइम के पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ली गई, कोई भी टाइम के पार्टिकुलर इंस्टेंट पे लिया गया उसका वैल्यू, वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। जो वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, देयर आर अनकाउंटेबल, क्या कह रहा है कि देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू डेट एग्जिट इन ए साइकिल। मतलब कि एक साइकिल में क्या हो गया पूरा आपका, एक साइकिल में अनकाउंटेबल जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल मैंने हम गिनती उसको नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। इतनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, हर इंस्टेंट पे होती है, हर एक इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू चेंज होती है, हर एक इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। जैसे कि टाइम के साथ ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, ये टाइम के साथ चेंज होता है। यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ आया धीरे धीरे, यहाँ पे जीरो हो गया, फिर ये गया आ गया या निगेटिव होते गया, और फिर ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू यहाँ पे होगी और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपका जीरो मान होगा। तो ये हर इंस्टेंट पे आपका चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं हम लोग, ये आप समझ गए होंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। तो सीधे सिंपल बात है, हर इंस्टेंट पे आपका जो
वैल्यू चेंज हो रहा वो आपका, और वो मेजर कर रहा वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पीक वैल्यू पे। तो पीक वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है? तो पीक वैल्यू होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड। ये क्या है आपका एसी अल्टरनेटिंग करेंट। पीक वैल्यू आपका बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू अटेंडेड बाई इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। कहने का मतलब कि जब कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो हाफ साइकिल है, ये क्या है आपका हाफ साइकिल। तो हम हाफ साइकिल भी बोल सकते हैं या फुल साइकिल भी या वन साइकिल, ये हाफ साइकिल या वन साइकिल, ये दो यहाँ तक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका वन साइकिल, और ये क्या हो गया आपका हाफ साइकिल। तो एसी करंट के द्वारा मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। तो वन साइकिल में आपका जो एसी करंट के द्वारा मैक्सिमम वैल्यू जो प्राप्त होगा उसको क्या हम लोग बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। और पीक वैल्यू इट इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड या क्रस्ट वैल्यू। इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और क्रस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। पीक वैल्यू के डिफिनेशन में आपको लिखा हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू अटेंडेड बाई एन अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी ड्यूरिंग वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू। कहने का मतलब वन साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह हमारा पीक वैल्यू होगा, वन साइकिल में जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पीक वैल्यू होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है। जो वन साइकिल में हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको पीक वैल्यू कहते हैं, सिंपल बात याद रखना है। इट इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड या क्रस्ट वैल्यू, और इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं और क्रस्ट वैल्यू कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। द साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑब्टेंड इट्स पीक वैल्यू एट 90 डिग्री। क्या कह रहा कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पीक वैल्यू क्या है हमारा मैक्सिमम पे होता है, तो मैक्सिमम देखिए कहाँ पे होता है आपका 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम कहाँ होगा, वो 90 डिग्री पे होगा। तो यही कह रहा है कि साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट में पीक वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री पे हमेशा होता है। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक वैल्यू समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं आरएमएस वैल्यू पे। तो आरएमएस वैल्यू आपका कह रहा है, आरएमएस वैल्यू होता क्या है पहले, तो इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ये क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो इसका नाम से ही हम लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं। डिफिनेशन में लिखा है द आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कहने का मतलब हुआ यह कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहती है बहुत सारी, जैसे आपका I1, I2, I3। ये क्या है आपका सपोज डैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये सभी हमको क्या करना है स्क्वायर करना है, इसको क्या करना है स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो गया रूट पहले हो गया, इसी से हम लोग क्या डिफिनेशन निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर का। पहले रूट करेंगे, सॉरी पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद मीन करेंगे उसके बाद रूट करते हैं। तो क्या करना है कि इस ये हमारा कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर पहले कर लेते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, मीन को कैलकुलेट करना है, मीन्स एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा को एन से नंबर ऑफ टाइम कितना है तो एन है, तो एन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करना है जब मीन कर दिए तो इसको क्या करना है कि रूट कर देना है। तो यह क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर, और जो इसका वैल्यू आएगा वही हमारा हो गया आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है द आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर करके मीन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग रूट लगा दें तो हमको जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा
वो आर एम एस वैल्यू हो जाएगा। वो आर एम एस का एक फार्मूला होता है जो हमने बताया पिछले वीडियो में कि आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई एम बटा अंडर रूट। ये हमने बताया था पिछले वीडियो में आर एम एस वैल्यू का जो फार्मूला निकल के लाए थे, आपको कैलकुलेट करके लाए थे, आर आर एम एस बराबर आई एम बटा अंडर रूट टू। ये हमारा क्या है, आर एम एस का वैल्यू है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में इसका जिक्र होगा। तो आप लोग जाहिर सी बात है कि इसको आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। ये हमको फाइनली कैलकुलेट करने के बाद प्राप्त होता है। आर एम एस को जब हम लोग फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो ये प्राप्त होता है, आप लोग वीडियो में देखे होंगे। जो लोग नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो, वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया हुआ है उस वीडियो को, वो जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू का। आर एम एस वैल्यू आप लोग समझ गए होंगे, तो एवरेज वैल्यू पे हम लोग आते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे वन साइकिल यह है, वन साइकिल में हमारा वन कंप्लीटेड साइकिल में जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी हर इंस्टेंट पे, यदि इसका एवरेज हर इंस्टेंट पे यह क्या हो रहा है, अलग अलग इंस्टेंट पे हर इंस्टेंट पे निकाल लें तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा, सपोज हमारे पास नंबर ऑफ करेंट जैसे क्या हो गया i1 i2 i3 .. in तक, तो इसका क्या करना है कि हम लोग n से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। एवरेज में क्या करते हैं कि जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या निकल के हमको आ जाता है, एवरेज वैल्यू। तो दोस्तों जैसा कि मैं डिफिनेशन में लिखा हूँ, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। मतलब कि हर इंस्टेंट पे आपका जो मान होगा उसको क्या करना है कि एवरेज निकाल देना है, वो हमको एवरेज वैल्यू दे देता है, रिजल्ट उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग देखें अभी तक क्या देखें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसके बाद आप लोग देखें पीक वैल्यू, उसके बाद आर एम एस वैल्यू, उसके बाद एवरेज वैल्यू। आप लोग को यदि वीडियो समझ में आ रही होगी तो कमेंट भी कर दिया करिए, समझ में आ रही है तो भी, नहीं आ रही है तो भी सजेशन भी दीजिए क्या यहाँ पे क्या गलती है, क्या सुधारना चाहिए, ये सारा चीज़। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए अपने दोस्तों के पास। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आपका फॉर्म फैक्टर है। तो वीडियो के शुरू में ही मैं बताया कि आपके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीका से मैं बताने वाला हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो फॉर्म फैक्टर क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड आर एम एस सॉरी फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर किसको कहते हैं, आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो एकदम बहुत ही सिंपल है, आपका एग्जाम में सेमेस्टर में भी आता है और आपका कंपटीशन में भी आता है। तो कुछ नहीं है, द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। इतना सिंपल बात ही आपको लोग को याद रखना है। इट इज डिनोटेड बाई के एफ, इसे के एफ से डिनोट करते हैं, अर्थात फॉर्म फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर एम एस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। ये आपको हमेशा माइंड में सेटअप करने होगा कि फॉर्म फैक्टर होता है आर एम एस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। एकदम सिंपल से याद रख लेना है और कुछ नहीं है। हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं फॉर्म फैक्टर, ये आपका डिफिनेशन है। पीक फैक्टर किसको बोलते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आर एम एस वैल्यू इज कॉल्ड पीक फैक्टर। क्या कह रहा है पीक फैक्टर, कि मैक्सिमम वैल्यू और आर एम एस वैल्यू के रेशियो को क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर बोलते हैं। तो पीक फैक्टर बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू बटा आर एम एस वैल्यू, इसी को हम लोग पीक फैक्टर बोलते हैं। और पीक फैक्टर को डिनोटेड करते हैं के ए से। कैसे याद रखना हम लोग के, एकदम सिंपल बात कि मैक्सिमम बटा आर एम एस, इसको क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर। लिखना कैसे है सेमेस्टर में, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आर एम एस वैल्यू इज कॉल्ड पीक फैक्टर, इट इज डिनोटेड बाई के ए।
अर्थात डेट इज पीक फैक्टर बराबर आरएमएस वैल्यू बटा मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू ए होता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे कि फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव का फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालना है। किसका? फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव का क्या निकालना है? फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका आरएमएस। तो आरएमएस बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया कि फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू बराबर कितना आया था, आई एम बटा अंडर रूट टू। तो इसी पे हम लोग निकाल लिए हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.707 आई एम। उसके बाद एवरेज वैल्यू का, फुल वेव का एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 आई एम बटा पाई। तो इसका वैल्यू अब जब इसको से कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 0.636 आई एम। तो अब फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आप लोग देखें डिफिनेशन कि फॉर्म फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है। तो आरएमएस बटा एवरेज फॉर्म फैक्टर का डिफिनेशन होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आई आरएमएस बटा आई एवरेज, इस प्रकार। तो हम लोग को जब मान दिया हुआ है दोनों का, आरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.707 आई एम बटा एवरेज का दिया हुआ है 0.636 आई एम। तो जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा मान 1.1। तो फॉर्म फैक्टर निकल के आ गया फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव का कितना? 1.1। ये आपको क्या करना है? याद करना है, कंपटीशन में आपका सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है इससे, और आता है। पीक फैक्टर क्या है? तो पीक फैक्टर किसको बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? पीक फैक्टर हम लोग बोलते हैं। तो पीक फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? आई एम बटा 0.707, ये क्या हो गया? आरएमएस। आरएमएस अभी निकाल लेते हैं, ये आरएमएस यहाँ लिख दिया। मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होगा इसका? फुल वेव का आई एम हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू जो आएगा 1.41। ये आपका कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर निकालने के लिए आप लोग समझ गए होंगे, फॉर्म फैक्टर का डिफिनेशन है आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू, और पीक फैक्टर का भी डिफिनेशन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ये आप लोग को याद रखना होगा, और इसका डायरेक्टली आप लोग चाहें तो याद कर लीजिएगा कि जो फुल वेव का रेक्टिफायर का साइन वेव होता है 1.1 होता है फॉर्म फैक्टर, फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव का पीक फैक्टर 1.41 होता है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है आप लोग के याद करना। तो अब हम लोग चलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव पे। हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव क्या कह रहा है? इसका आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? आई एम बटा टू। हाफ वेव है तो रूट ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? आई एम बटा टू। तो ये क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 0.5 एम। एवरेज वैल्यू आई एम बटा पाए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.318 ये आ जाएगा। अब फॉर्म फैक्टर का आप लोग डिफिनेशन जानते हैं, आरएमएस बटा एवरेज। तो आरएमएस दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, दोनों को जब डिवाइडेड करेंगे तो कितना हमको मान आएगा? 1.57। तो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव में वो 1.57 हो गया, ध्यान रखिएगा ये माइंड में। पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू, डिफिनेशन में आप लोग जाने, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? आई एम। और आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे दिया हुआ है आरएमएस वैल्यू 0.5 एम। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 2। पीक फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना आ गया? 2। फॉर्म फैक्टर कितना आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का? 1.57। तो इस प्रकार आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा आप लोग, तो आपका याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपका सीधा सीधा माइंड में सेटअप हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर वेव। इसका क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर वेव का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों सेम होता है, इसका 1 होता है, एक तरह से आई एम होता है। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर भी क्या होता है? 1 ही होता है इसका। तो रेक्टेंगुलर वेव का आरएमएस, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर सेम होता है, मीन्स 1 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर वेव का आरएमएस, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का वैल्यू होता है जो 1 होता है। अब हम लोग क्या चलते हैं आगे, ट्रायंगुलर वेव पे। ट्रायंगुलर वेव में आरएमएस आईएम बटा रूट 3, ट्रायंगुलर है तो रूट 3 हो गया।
0.578 हो गया RMS, और एवरेज हो गया IM बटा 2 0.5 IM। तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला जानते हैं, RMS बटा एवरेज वैल्यू, तो इसको बटा इसको कर दिए तो क्या आ गया वैल्यू आपका 1.16। अब पीक फैक्टर का फार्मूला जानते हैं, मैक्सिमम बटा RMS, तो मैक्सिमम आपका IM बटा RMS 0.578, इसको लिख दिए हैं। इस जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 1.73। तो ट्रेंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर 1.16 और ट्रेंगुलर वेव का पीक फैक्टर 1.73। इस प्रकार हम लोग निकाल लिए, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। तो देख देख के नहीं बनाना है, आप लोग को समझ समझ के देख के और कैलकुलेट करके निकालना है कि सही में कैलकुलेट है या नहीं। कुछ पॉइंट है जो आपको VVI फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम क्या करना है, VVI फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम के व्यू से भी क्या कह रहा है। कभी कभी आपका पूछ देता है मैक्सिमम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर किसका होता है। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.57, और पीक फैक्टर कितना होता है आपका 2 होता है। और बाकी सब में देखिएगा तो कुछ न कुछ कम होगा इससे। तो मैक्सिमम फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर जो होगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का होगा, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर किसका होता है, वो रेक्टेंगुलर वेव का होता है। किसका होता है, रेक्टेंगुलर वेव का होता है, कितना होता है 1 होता है। फॉर्म फैक्टर भी 1 और पीक फैक्टर भी 1। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का। आपका पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम किसका होता है फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, वो हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का। और मिनिमम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर किसका होता है, रेक्टेंगुलर वेव का, कितना होता है 1 होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारा बात देखें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखें, एवरेज वैल्यू देखें, पीक वैल्यू देखें, और क्या देखें हम लोग, RMS वैल्यू देखें, फॉर्म फैक्टर देखें, ये सारा का सारा। आप लोग वीडियो को है ना, आप जब भी मौका मिले आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन और सेमेस्टर दोनों के व्यू से आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसी फंडामेंटल ही आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एक तरह से आता है। तो हम लोग आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। चलते चलते आप लोग को बता दूँ कि वीडियो हमारा द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आता है, हमेशा आएगा और रेगुलर वीडियो आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लीजिएगा, आप लोग जो नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाएगा कि अगला वीडियो भी डाला गया है, वो देख लीजिए, और तुरंत जब वीडियो डाला जाएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी और कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को बताते रहें। और वीडियो कैसा भी हो, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर कुछ वीडियो में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये हमको समझा दीजिए। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।